जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवदी देव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है, इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवदी देव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए, और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर आप छोड़ेंगे एकदम। एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं।